भागलपुर के मुद्दे में सबसे खास मुद्दा भोलानाथ पुल का है। आवाज पहुंची सदन तक। भोलानाथ पुल के नीचे बारिश के जल जमाव की परेशानियों से मिल सकती है जल्द शहरवासियों को निजात। भागलपुर में कितने राजनीतिक पार्टियां आई और चली गईं, लेकिन भोलानाथ पुल का मुद्दा यूं ही अपनी जगह पर अवस्थित है। केंद्र में कितनी बार फाइल्स खुली और दबकर रह गई। भागलपुर का स्मार्ट सिटी में चयन होने से कई वर्ष बीत गए, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र स्थित भोलानाथ पुल के मुद्दे पर नगर निगम अब तक सवालों के घेरे में है। बता दें कि कई दशकों से बारिश के मौसम में भोलानाथ पुल के नीचे काफी जल जमाव हो जाता है, जिसके कारण दक्षिणी क्षेत्र में कई घंटों तक यातायात सेवाएं बाधित रहती हैं। इतना ही नहीं, लगातार गटर से निकलने वाले पानी का बहाव इतना तेज रहता है कि पैदल चलने वाले लोगों को भी आवागमन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी बाबत बिहार विधानमंडल दल के नेता व भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने इस बार सदन में फिर से जोरदार आवाज उठाते हुए भोलानाथ पुल के जीर्णोद्धार की बात रखी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उम्मीद है 3 से 4 महीने में इसका टेंडर हो जाएगा और शहर वालों को इस जल जमाव की परेशानी से निजात मिलेगी। अब देखना यह है कि क्या ये मुद्दा कागज में ही सिमट कर रह जाता है या फिर से इस पर राजनीतिक सरगर्मी तेज होकर फिर से ये जनता को लुभाकर वोट लेने का मुद्दा बनता है, या जमीनी स्तर पर भी कुछ हो पाता है।